ये पुल टूटने का कारण एक सबसे बड़ा कारण ये है कि माइनिंग माफिया, आने वाले दिनों में आपको सब्जी और दूध दही पानी तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लखनपुर का बॉर्डर है वो बिल्कुल सील हो चुका है। बोला था ये तरना पे जो माइनिंग हुई है DMO साहब, उस पर देखिए जो ये माइनिंग है, पुल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा माइनिंग हो चुकी है। DMO साहब को अभी जवाब देना चाहिए। DC मुर्दाबाद किस लिए मुर्दाबाद? ये DC साहब तो उस टाइम पे थे नहीं, ये अभी जुम्मा अभी 2 महीने इनको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। एम्बुलेंस तक नहीं जा रही है, एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो तंगी करी जा रहे हो लोगों को, और कुछ नहीं दिया है। ये पुल टूटा है, क्यों टूटा है, तो किस कारण से टूटा है, वो बातें बाद में होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको बनाएं, सब्स्टिट्यूट रोड बनाएं। ड्राइवर बेचारा 5-5 दिन हो गए लखनपुर रुके हुए। बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो कि लखनपुर में पिछले 3 दिन से हैवी जाम किया हुआ है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूँ, जनाब ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये जो पुल बनाया था, पुल टूट गया किसी भी कारण विवश टूटा, पुल 10 साल पहले बना, पुल 20 साल पहले बना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। चलो चीज़ बनी है तो टूट भी सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, पर मैं DC साहब को ये बोलना चाहता हूँ, DC साहब आप ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कीजिए, क्योंकि अल्टरनेट एक रूट बनाइए कि जहाँ से ट्रक जा सकें। इतनी हमारे आने वाले दिनों में आपको सब्जी और दूध दही पानी तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो लखनपुर का बॉर्डर है वो बिल्कुल सील हो चुका है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, आप पीछे मीडिया के माध्यम से देखिए, सारे ट्रक जहाँ पे लगे हुए हैं और जी इनको जाने नहीं दे रहे हैं, और रोका हुआ है क्योंकि वहाँ पे पुल ही नहीं है, पुल ही टूट गया है। और ये मैं आपको एक फ्लैशबैक थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ कि ये पुल टूटने का कारण एक सबसे बड़ा कारण ये है कि माइनिंग माफिया। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने DMO साहब को आज से मेरा इंटरव्यू 1-2 महीना प्रणाम निकाल लेना। मैंने पहले बोला था ये तरना पे जो माइनिंग हुई है DMO साहब, उस पर देखिए जो ये माइनिंग है, पुल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा माइनिंग हो चुकी है। DMO साहब को अभी जवाब देना चाहिए कि DMO साहब हमने 2 महीने पहले आपको बोला था, तो आज वो दिन देखने आ गया, DMO साहब इसका जवाब दें। नेशनल हाईवे तो जवाब देगा। आप DC साहब की बात करते हो, जे DC साहब जब पुल बना था, जे DC साहब थोड़ा ना यहाँ पे थे। जो लोग बोलते हैं DC मुर्दाबाद DC किस लिए मुर्दाबाद? जे DC साहब तो उस टाइम पे थे नहीं, ये अभी जुम्मा अभी 2 महीने इनको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हुआ है। DC साहब का यही काम बनता है कि जो हमारे यहाँ पे लखनपुर से जो ट्रक निकले, कुछ ट्रक आप बसोली से निकालें, कुछ ट्रक आप जो थोड़े कम लोड वाले ट्रक हैं वो सीधा निकालें, चाहे उस पर नेशनल हाईवे से मिलकर वो पुल डालें। सब्स्टिट्यूट एक पुल निकालना चाहिए, जो कि 15-20 दिन हो गए। नेशनल हाईवे ने क्या काम किया मेरे को बताओ? जो एम्बुलेंस तक नहीं जा रही है, एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? लोग मर रहे हैं, हैवी ट्रैफिक जाम हो चुका है, थाने तक के बांधे हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा जो है, हम बता रहे थे कि हमारा यात्रा बहुत धूमधाम से हो रही, स्वा कर दिया आपने बहुत धूमधाम यात्रा का, एक सब्स्टिट्यूट रोड तक नहीं बना पाए। आर्मी वालों को दो दिन में रोड बना के दे देंगे। नेशनल हाईवे ने सिर्फ पैसे कमाना ही सीखे हुए हैं। जो पुल आपका 10 साल पुल नहीं चला है, 10 साल में ढह गया, कहने का मतलब ये है लोगों को तंग ही करी जा रहे हो लोगों को, और कुछ नहीं दिया है इस गवर्नर ने। मैं गवर्नर साहब को बोलता हूँ, गवर्नर साहब होंगे आपसे लोग पिछले कोई खुश होंगे, जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी लोग आपसे खुश नहीं है, आपने दुखी ही कर दिया है। टैक्स पे टैक्स, अब तो जम्मू जाना भी हमारे लिए उतर हो चुका है। टोल किस बात का लिया जाता है? सबसे बड़ी बात यह है, कितनी तगड़ी मिलावट मिली भक्ति है एडमिनिस्ट्रेशन की, और गवर्नर साहब आप ऐसे कह रहे हो कि पूरी पारदर्शिता, नीट एंड क्लीन चल रहे हैं टोल, जब हम चल ही नहीं रहे हैं। आपका लखनपुर से जम्मू तक सपोज करो आपने काम लगाया हुआ नेशनल हाईवे का, टोल तो 2 साल पहले का नहीं आपका बनता है, क्योंकि आपने काम लगाया है। रोड बनाओ, टोल लो, रोड बनाने से पहले ही कौन सा टोल होता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। और ऊपर से अभी तो आपका पुल ही ढह गया है, अब किस प्रकार का लखनपुर से टोल ले रहे हैं, और जब बड़ी ब्राह्मण पर किस प्रकार का टोल है? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो गवर्नर शाही है, ये बिल्कुल हावी हो चुकी है, किसी को नहीं सुनते हैं। आप देख रहे हैं ये कल से जो है ये 3 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी है।
और पुलिस काम कर रही है। पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, तो गाड़ियाँ जो है यहाँ से लंगर गाड़ियों को निकाली है। पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, जो हमारी पुलिस है उनको जैसे ऊपर से आदेश आएंगे वो वैसे ही करेंगे। वो अपनी थोड़ी ना SSP साहब अपनी थोड़ी मनमर्जी कर सकते हैं। ये कल से नहीं है, 3 दिन पहले से बंद किए हुए हैवी जो ट्रक हैं जो 50-60 टन माल लेते हैं वो उन्होंने इधर ही रोक दिए हैं। तो छोटे छोटे ट्रक रात को थोड़े थोड़े निकालते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इस पर संज्ञान लीजिए, जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद। हल निकालो यार, कोई मसले का हल निकालो। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का टाइम जब आएगा वो देख लेंगे। मुद्दा ये है कि लोगों को राहत दीजिए और उनको फैसिलिटी दीजिए। ये पुल टूटा है, क्यों टूटा है, तो किस कारण से टूटा है, वो बातें बाद में होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको बनाएं, सब्स्टिट्यूट रोड बनाएं। ड्राइवर बेचारा 5-5 दिन हो गए लखनपुर रुके हुए, उनको गाड़ी का भाड़ा नहीं मिल रहा है, तंग आ गए हैं, कुत्तों जैसी हालत हो गई है लोगों की। तो आप अपने क्या सौदे बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे को फायदा दे जा रहे हैं, टोल दे जा रहे हैं। किस बात का टोल देना यार, रोड आपका बना ही नहीं है। रोड बना था ये कांग्रेस के टाइम पे, ये जो नेशनल हाईवे का रोड बना है कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ था। ये जो BJP वाले थे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था 2012 में कि कोई टोल नहीं लगा, जब 2 टोल लगाए थे कांग्रेस ने अपने टाइम पर, और कांग्रेस जो लोगों की सुनती थी, उन्होंने देखा कि लोग अगर अपोजिशन कर रहे हैं उन्होंने टोल उठा दिए। 14 में जो आए इन्होंने 2-2 के बजाय इन्होंने 4-4 टोल लगा दिए। और यार लोगों को और राहत दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर पहले ही टूटा हुआ है, आप उसको और तोड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनाब इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए और सब्स्टिट्यूट रोड बनाइए, लोगों को राहत दीजिए।